नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हंदवाड़ा छेड़छाड़ विवाद में लड़की बोली, सेना ने नहीं की छेड़खानी। जम्मू और कश्मीर के हंदवाड़ा में जिस लड़की की वजह से कथित छेड़छाड़ का विवाद उठा और उसके बाद हुई हिंसा के बीच लड़की ने मुख्य न्यायालयिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया। इस बयान में उसने अपने पूर्व के बयान पर कायम रहते हुए कहा कि सेना के किसी भी जवान ने उसके साथ छेड़छाड़ नहीं की थी। लड़की ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान में कहा कि 12 अप्रैल 2016 को स्कूल से वहां अपनी सहेलियों के साथ घर जा रही थी। मुख्य चौक हंदवाड़ा के समीप वह एक सार्वजनिक शौचालय में गई। जैसे ही वह शौचालय से बाहर आई, दो लड़कों ने उस पर हमला किया, उसे घसीटा और उसका बैग छीन लिया। दोनों लड़कों में से एक स्कूल की ड्रेस में था। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने रविवार को लड़की की मां की याचिका पर उसे मुख्य न्यायालयिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को सीजेएम के समक्ष पेश किया था। नीतीश के संघमुक्त भारत वाले बयान पर भाजपा का पलटवार, कहां शाखा में आए सीएम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संघमुक्त भारत के आह्वान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। नीतीश ने कहा था कि भगवा संघ देश की एकता और लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहा है। इस कड़ी में बीजेपी ने अपने संरक्षक संघ के बचाव में कूदते हुए कहा कि संघ के आलोचकों को अपनी गलत अवधारणा को साफ करने के लिए एक दिन के लिए इसकी शाखा में भाग लेना चाहिए। पटना में एक समारोह में नीतीश कुमार ने कांग्रेस मुक्त भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे का पलटकर जवाब देते हुए कहा था कि संघ मुक्त भारत बनाने के लिए सभी गैर भाजपा दलों को एक होना होगा। कांग्रेस ने संघ मुक्त भारत के नीतीश कुमार के विचारों का समर्थन किया है। दीपा ने रचा इतिहास, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली जिम्नास्ट बनी। भारत की शीर्ष जिम्नास्ट दीपा करमाकर ने रियो डी जेनेरियो ओलंपिक में क्वालिफाई कर लिया है। दीपा ऐसा करने वाली देश की पहली जिम्नास्ट बन गई है। उन्होंने अंतिम क्वालिफायर और ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता में प्रभावी प्रदर्शन किया। वह महिला कलात्मक वर्ग में 4 उप डिविजन में से पहली में 9वें स्थान पर रही। दीपा ने कुल 52.698 अंक जुटाए। 14 कैंडिडेट्स में यह सबसे ज्यादा स्कोर था। दीपा की परफॉर्मेंस के बाद अंतर्राष्ट्रीय रेफरी दीपक कांगड़ा ने कहा कि उनका क्वालिफाई होना लगभग तय है। 3 उप डिविजन के मुकाबले बाकी है, लेकिन वह पहले ही तीनों देशों के जिम्नास्ट को हरा चुकी है, इसलिए क्वालिफाई कर चुकी है।